हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दिस इज स्पाइसेस। आज हम बनाने जा रहे हैं पत्ता गोभी मटर और आलू की सब्ज़ी। सबसे पहले मैंने उसके लिए पत्ता गोभी ले ली, जिसको अच्छे से उसके बाहर के जो ऊपर के पत्ते थे वो मैंने अच्छे से निकाल के उनको चॉप कर लिया, काट लिया। और ये कैबेज मैंने बहुत अच्छे मैंने फार्म से मंगवाया था, ताज़ा एकदम, बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी थी इसकी। तो उसके लिए फिर मैंने कैबेज अच्छे से काट लिया। फिर एक पटेटो ले लिया था, पटेटो इसलिए डाला था मैंने, बहुत ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि थोड़ा सा मेरे हस्बैंड को शुगर का प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसलिए मैं पटेटो यूजुअली अवॉइड करती हूँ। और ये आलू मैंने थोड़े मोटे मोटे काट के रख लिए हैं क्योंकि मेरे बेटे को बहुत पसंद है पटेटो, तो इसलिए मैं आलू डाली ताकि बहुत ज़्यादा मैश ना हो जाए, उसको खाने में थोड़े से पीसेस आए उसके मुँह पर। मैंने सिर्फ दो चिली ली है, ग्रीन चिली, क्योंकि छोटा बच्चा है तो स्पाइसी खाना नहीं बनता। और मेथी, बिकॉज़ विंटर है और विंटर में मेथी बहुत अच्छे से हमें मिल जाती है मार्केट में, और मेथी बहुत हेल्दी होती है खाने के लिए, तो मैं कोशिश करती हूँ कि तड़के में थोड़ी सी मेथी दे दूँ। हर सब्ज़ी में नहीं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ बहुत सारी सब्ज़ियों में डाल दूँ। इधर मैंने अदरक छील के 1 इंच कद्दूकस करके रख लिया है, कद्दूकस कर लिया। और अब हम इसको तड़के देने की तैयारी करते हैं। छौंक लेते हैं अब सब्जी। तो उसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा हो गया था, तो मैंने बाद में इसमें इससे क्या किया था, थोड़ा सा ऑयल कम कर लिया था। फिर ये डाला मैंने सरसों, ये है जीरा, और अब थोड़े से दो मैंने तेज पत्ते डाल दिए थे तड़के के लिए। फिर उसके बाद मैंने डाला मिर्ची, ग्रीन चिली, मेथी और अदरक मैंने डाल के थोड़ा सा फ्राई किया, बहुत ज़्यादा नहीं। साथ साथ में मैंने पटेटो, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर मेथी अदरक मिर्च बहुत ज़्यादा फ्राई हो जाती है तो वो काले हो जाते हैं और पटेटोस के, और मैं फिर जब पटेटो डालती तो वो बहुत ज़्यादा ही भून जाते तो वो टेस्ट बहुत गंदा हो जाता। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे आलू के साथ मेथी और अदरक को अच्छे से थोड़ा सा भून लिया, बहुत ज़्यादा नहीं भूना। अब इसको थोड़ी देर ढक के पकाते हैं और फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारा पत्ता गोभी, थोड़ा सा भून जाए आलू और मेथी, और फिर उसके बाद हम इसमें पत्ता गोभी डालते हैं। तो ये भून चुके हैं और अब हम इसमें डालने जा रहे हैं हमारे वॉश्ड पत्ता गोभी और कैबेज। तो ये मैंने ढेर सारा जो कैबेज काट के रखा था मैंने सारे के सारे डाल दिए। फिर डालने के बाद अच्छे से इनको मिक्स कर लिया, और मिक्स करने के बाद फिर इसको मैंने थोड़ी देर पकने के लिए ढक के छोड़ दिया, अच्छे से मिक्स किया। फिर ढकने के बाद 5 मिनट के बाद फिर मैंने ये ओपन किया तो देखिए कितने अच्छे से पक गए थे, 5-7 मिनट। तो उसमें मटर डालना मैं भूल गई थी, तो इसलिए मैंने बाद में मटर डाले और थोड़ा सा सॉल्ट भी डाला, सो दैट वेजिटेबल की जो वाटर है वो बाहर आ जाए और अच्छे से बाकी के वेजिटेबल्स अच्छे से पक जाए। मटर वेस्ट टाइम में बहुत अच्छे से पक जाएगा, ऐसा नहीं मटर को फ्राई होगा तभी वो पकेगा या उसका टेस्ट आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। सब्जी का जो टेस्ट था बहुत अच्छा ही था, मटर मैंने तो बाद में डाला था फिर बहुत अच्छा था। उसके बाद ये देखिए हमारे, मैंने थोड़ा सा और भून लिया ढक के, अच्छे से पका लिया। उसके बाद ये थोड़ा सा हम थोड़े स्पैचुला से अच्छे से सब्जियों को मिक्स कर लिए, नीचे से जले ना। और फिर उसके बाद अब हम डालेंगे इसमें थोड़े से स्पाइसेस। ये डाला मैंने हल्दी, धनिया पाउडर, मैंने यहाँ 1.5 चम्मच के करीब धनिया पाउडर डाला, और फिर थोड़ा सा 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम जीरा पाउडर ऐड किया, और 1/2 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर यूज़ किया। मैंने यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे मैंने लाल मिर्च बिल्कुल यूज़ नहीं किया, क्योंकि मेरे घर में कोई भी लाल मिर्च नहीं खाता। फ्रॉम स्टार्टिंग मैंने कभी लाल मिर्च यूज़ ही नहीं किया, और अब बेबी के आने के बाद तो मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती। बहुत रेयर आइटम्स होते हैं जिसमें मैं रेड चिली यूज़ करती हूँ। मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, मसालों को भून लिया अच्छे से। 2 मिनट मैंने मसालों को छोड़ दिया। इधर मैंने टमाटर चॉप करने के लिए यहाँ रख लिया, मैंने यहाँ पे 4 टमाटर लिए हैं
और चार टमाटर मैंने अच्छे से धो के फिर उसके बाद इनको चॉप कर लिया था। जब हमारे मसाले भून जाएंगे तब हम ये टमाटर सब्जी में डाल देंगे। अब अगर मैंने बहुत ज़्यादा टमाटर लिए, टमाटर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत जितने ज़्यादा टमाटर रहते सब्ज़ी का टेस्ट उतना बहुत अच्छा आता है। कैबेज और मटर और ये आलू की जो सब्ज़ी है तो उसमें टमाटर बहुत अच्छे से डालिएगा, कंजूसी मत करिएगा। वैसे विंटर है, वैसे भी टमाटर बहुत सस्ती हो जाती है, तो भर भर के डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने टमाटर डालने के बाद, और फिर उसके बाद अब हम इसको ढक के करीब 5 मिनट के करीब पका लेंगे। मैंने ढक दिया, अब इसको मैंने 5 मिनट के बाद ही ओपन किया। देखिए टमाटर कितने अच्छे से पक चुके हैं, मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। और जब टमाटर अच्छे से पक जाए, अगर आपको लगता है कि टमाटर आपके अच्छे से नहीं पके, तो 2-4 मिनट के लिए और ढक के अच्छे से पका दीजिए, अच्छे से भून जाने दीजिए। और फिर उसके बाद लास्ट में हम मैं इसमें ऐड कर दूंगी गरम मसाला, आधा चम्मच के करीब, आधा चम्मच से भी थोड़ा कम मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये देखिए मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया, और अब तैयार है आपकी पत्ता गोभी आलू मटर की सब्ज़ी। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी है, आप इसको गर्मा गर्म राइस के साथ या रोटी के साथ सर्व कीजिए, और अपने जो एक्सपीरियंस है प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। थैंक यू।